दुर्घटना एक अच्छी प्रतीक्षा है, किंतु यह अनेक अपवादों के अधीन है जो निम्न है। कार्य आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना किया गया हो, कार्य विधिपूर्ण प्रकार और विधिपूर्ण साधनों के द्वारा किया गया हो, कार्य उचित सावधानी और सतर्कता से किया गया हो, और चौथा है कार्य विधिपूर्ण हो। भारत दंड संहिता की धारा 81 आवश्यकता के आधार पर आपराधिक दायित्व के से प्रतीक्षा से संबंधित है। आर बनाम डडले एंड स्टेफन कावाद आवश्यकता के आधार पर प्रतीक्षा के इसी साधारण अपवाद से संबंधित है। भारतीय दंड संहिता की धारा 82 के अंतर्गत कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है। धारा 83 के अंतर्गत 7 वर्ष के ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व समझ के शिशु को आपराधिक दायित्व से उन्मुक्त प्राप्त है। भारतीय दंड संहिता धारा 84 के अंतर्गत विकृतिचित व्यक्ति के कार्य को अपराध नहीं माना जाता है, परंतु यदि अपराध करते समय अभियुक्ति यह जानता था कि वह विधि विरुद्ध कार्य कर रहा है तो ऐसे सा होने पर वह दंडित हो जाएगा। मैकनॉटवाद विकृति चित्ता के आधार पर बचाव संबंधित सिद्धांत प्रतिपादित करता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 85 में अनैच्छिक अपनी इच्छा के विरुद्ध मत्ता के आधार पर आपराधिक दायित्व से प्रतिरक्षा बचाव का प्रावधान करती है। धारा 86 स्वैच्छिक मत्ता से संबंधित है, अर्थात अपनी इच्छा से मत होकर अपराध करना बचाव नहीं है। भारतीय दंड संहिता की धारा 87 रोमन विधि शास्त्र के प्रसिद्ध सूत्र वैलेंटिन नॉन फिट जूनियर इंजीनियर इंजूरिया वैलेंटिन नॉन फिट इंजूरिया पर आधारित है, जिसका अर्थ है स्वैच्छिक कार्य अपकृत्य नहीं है। धारा 87 के अंतर्गत सम्मति से किए गए कार्य को प्रतीक्षा का एक आधार माना गया है, किंतु यह बचाव इसी धारा के वर्णित निम्न अपवादों के अधीन है। सम्मति 18 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति द्वारा दी गई हो, कार्य से मृत्यु या घोर उपहित कारित करना आशयित न हो, उपयुक्त के संभाव्य का ज्ञान न हो। भारतीय दंड संहिता की धारा 94 के अंतर्गत हत्या और मृत्यु से दंडनीय अपराधों को छोड़कर वह कार्य जिसको कोई व्यक्ति मृत्यु की तुरंत धमकी द्वारा विवश किए जाने के फल स्वरूप करता है अपराध नहीं होगा। भारतीय दंड संहिता के 95 के अनुसार तुच्छ अपहानि कारित करने वाला कार्य अपराध नहीं है। तुच्छ अपहानि वह है जिसे मामूली समझ और स्वभाव वाला कोई व्यक्ति उसकी शिकायत नहीं करता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 96 से 106 तक में व्यक्ति के शरीर तथा संपत्ति संबंधित प्रतीक्षा के अधिकारों का वर्णन है। धारा 100 के अनुसार निम्नलिखित परिस्थितियों में शरीर की प्राइवेट सुरक्षा के आधार अधिकार के रूप के लिए किसी व्यक्ति की मृत्यु तक कारित करने का अधिकार है, जब हमले के परिणाम स्वरूप मृत्यु की युक्तियुक्त आशंका हो, जब हमले से घोर उपहति कारित होने की युक्तियुक्त आशंका हो, बलात्संग के आशय में से हमला, प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा के लिए किया गया हमला, वह अपहरण के लिए किया गया हमला, सदोष परिरोध के लिए किया गया हमला, तेजाब फेंकने या प्रयोग करने या उसके प्रयत्न पर गंभीर उपहति के युक्ति युक्त आशंका हो। भारतीय दंड संहिता के धारा 103 के अनुसार निम्नलिखित स्थितियों में संपत्ति के प्राइवेट प्रतीक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक है। लूट, रात्रों गृहभेदन, अग्नि द्वारा रिष्टि, चोरी रिष्टि या गृह अतिचार जिससे मृत्यु या घोर उपहति की आशंका हो। भारतीय दंड संहिता धारा 106 के में परिभाषित
दुष्प्रेरण का अपराध है। उकसाने द्वारा, शासन सहायता द्वारा तथा षड्यंत्र में शामिल होने से घटित होता है। जयदेव बनाम स्टेटवाद का संबंध आत्मरक्षा के अधिकार से है। भारतीय दंड संहिता के धारा 120A में आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा दी गई है। भारतीय दंड संहिता की धारा 120B में आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड का प्रावधान दिया गया है। भारतीय धारा 120A के अनुसार जब दो या दो से अधिक व्यक्ति कोई अवैध कार्य अथवा कोई ऐसा कार्य जो अवैध नहीं है अवैध साधनों द्वारा करने या करवाने को सहमत होते हैं तब ऐसी सहमति आपराधिक षड्यंत्र कहलाती है। विनायक दामोदर सावरकर का वाद नासिक षड्यंत्र में के नाम से जाना जाता है। भारतीय दंड संहिता 121 में भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध करने का प्रयत्न करना या युद्ध करने का दुष्प्रेरण करना मृत्यु दंड से या आजीवन कारावास से और जुर्माने से भी दंडनीय है। भारतीय दंड संहिता की धारा 124A राजद्रोह सेडिक्शन को परिभाषित करता है। भारतीय धारा 124A के अनुसार जो कोई बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्य रूपेण द्वारा या अन्यथा भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमान पैदा करेगा या पैदा करने का प्रयत्न करेगा अप्रीति प्रदीप्त करेगा या करने का प्रयत्न करेगा वह आजीवन कारावास से जिसमें जुर्माना जुड़ा लगाया जा सकेगा या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 141 में विधि विरुद्ध जमाव को परिभाषित किया गया है। धारा 141 के अनुसार 5 या अधिक व्यक्तियों की जमाव विधि विरुद्ध जमाव कहा जाता है। यदि उन व्यक्तियों का जिनसे जमाव गठित होता है सामान्य विदेश विधि अथवा विधिक प्रक्रिया के निष्पादन का प्रतिरोध है। भारतीय दंड संहिता की धारा 143 के अनुसार जो कोई विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होगा वह दोनों में से किसी भारतीय के कारावास जिसकी अवधि 6 मास तक हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 146 के अनुसार 5 या इससे अधिक सदस्यों के जमाव द्वारा ऐसे जमाव को के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में किया गया बल प्रयोग या हिंसा बलवा या अपराध गठित करती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 147 के अनुसार जो कोई बलवा के करने के कारण करने का दोषी होगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 149 संयुक्त दायित्व के सिद्धांत के प्रतिपादन करती है। संयुक्त दायित्व के सिद्धांत की अपेक्षा यह है कि विधि विरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए कोई कार्य किया जाए। सामान्य उद्देश्य का अग्रसर करने के लिए कम से कम 5 व्यक्ति होना चाहिए। धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा, जाति, समुदाय में से किसी के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ाने के लिए भारतीय दंड संहिता धारा 153 क में दंडित किया जाता है। राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने का लांछन का उपबंध भारतीय दंड संहिता की 153 ख में किया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 154, 55, 155 और 156 दांडिक विधि में प्रतिनिधिक दायित्व को स्वीकार करती है। प्रतिनिधिक दायित्व का सिद्धांत सर्वप्रथम आर बनाम हिंगिस 1730 के वाद में प्रतिपादित किया गया था। भारतीय दंड संहिता की धारा 159 दंगा को परिभाषित करती है जिसके अनुसार जबकि दो या अधिक व्यक्ति लोक स्थान में लड़कर झगड़कर लोक शांति के विघ्न डालते हैं तब यह कहा जाता है कि वे दंगा करते हैं। धारा 160 के अनुसार दंगा
के अपराध के लिए 1 माह तक के कारावास या 100 रुपये जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 170 के अंतर्गत लोक सेवक के प्रति पुरूपण एक अपराध है। मिथ्या सूचना इतिला देने को भारतीय दंड संहिता के धारा 177 में दंडित किया गया है। 6 मास का साधारण कारावास, 1,000 रुपये या दोनों से दंडित होगा। धन्यवाद।